नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने टमाटर के पौधों के बारे में। आज इनका अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने अपने कुछ टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने रेड, बिल्कुल जूसी वाले दोस्तों। ये देखिए कितना बड़ा साइज है, आप देख सकते हो। ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा साइज है। और देखिए दोस्तों, अभी भी इसमें से दोस्तों हम बहुत सारे पर डे तकरीबन 1 किलो हार्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि केवल यहाँ से यहाँ तक नहीं, बिल्कुल देखिए पूरा लदा पड़ा है। ये देखिए, और हम इनमें से देखिए बहुत सारे हार्वेस्ट कर चुके हैं। अभी इनमें दोस्तों मिली बग का और जो है थ्रिप्स का अटैक मुझे लग रहा है। बहरहाल हम इनकी अब ज़्यादा केयर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हमें इसे यहाँ से हटाना है। तो देखिए दोस्तों, पीछे साइड इसमें भी बहुत सारे लगे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हार्वेस्ट करके कि कैसे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर कितने बिल्कुल पके पके से लगे हैं टमाटर हमारे। चलिए हम इन्हें तोड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनको आप धुल करके ही यूज कीजिए, क्योंकि धूल मिट्टी दोस्तों दिन भर की पड़ती रहती है इनमें। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, हमारे तकरीबन ये 1 किलो लगभग हो चुके हैं, 700-800 ग्राम लगभग हो चुके हैं। और अभी हम और देखे ले रहे हैं, हमारे पास अभी और तो नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने इनमें से इतने टमाटर देखे जो है बिल्कुल हार्वेस्ट किए हैं। आप देख सकते हो इन सब का अपना साइज़, देखिए एक अच्छा साइज़ है। और इन सब की दोस्तों, आप घर के जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है, आप उसकी शाइनिंग देखिए। ये देखिए दोस्तों, देखिए मैंने ना भी कोई मैंने इनमें हाथ मारा है ना कुछ मारा है। आप ये देखिए वैसे, ये देखिए सारी धूल मिट्टी देखिए लगी पड़ी है, और उसके बावजूद भी आपको शाइन करके दिखा रहा है। दोस्तों यही एक ऑर्गेनिक चीज़ की केवल अच्छी बात होती है, वो शाइनिंग लाती है। जब आप ऐसी शाइनिंग चीज़ें खाते हो, तो आपके चेहरे पर भी वही ग्लो आता है। और DAP वगैरह में तो दोस्तों फिर वो केमिकल ही हो जाता है, वो आपको केमिकल का ही अपने मुँह पर पोतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर कितने अच्छे टमाटेज हुए हैं दोस्तों। इनको मैंने अपनी, देखिए छोटी सी मेरे पास क्यारी है, कुछ नहीं ज़्यादा, 1 मीटर चौड़ी है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए ये यहाँ पर ये ईंट रखे हुए हैं, ईंट से लेकर के, और ये देखिए यहाँ तक, उसके आगे फिर वो फर्श शुरू हो जाती है। क्योंकि इतनी चौड़ी केवल देखिए दोस्तों क्यारी है, और उसी क्यारी में ही देखिए मैंने इन सबको लगा रखा है। और इन सब की आप ग्रोथ देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से चल रही है। बहरहाल हम अब देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया हमारे यहाँ। देखिए 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जिसकी वजह से देखिए थोड़े थोड़े झुलसने टाइप से लगे हैं। फिर भी हम दोस्तों इसमें कोई सा भी कुछ भी नहीं डाल रहे केमिकल, केवल इसको हम पूरी अच्छी तरीके से सावरिंग कर देते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप हमारे पौधे देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन आज अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।